श्याम और मोहन। एक बार की बात है, एक शहर में दो व्यापारी रहते थे। एक का नाम था श्याम और दूसरे का मोहन। उनका काम के सिलसिले में यहाँ वहाँ यात्रा करना लगा रहता था। एक दिन ऐसे ही वह यात्रा कर रहे थे कि श्याम को एक लावारिस बस्ता दिखा। उन्होंने जब उस बस्ते को खोला तो उसमें कई सारी सोने की अशर्फियां थीं। वह दंग रह गए। अरे वाह, मैं तो कितना भाग्यशाली हूँ, मुझे इतना सोना मिला है, श्याम बोला। फिर मोहन ने कहा, ये मत कहो कि सिर्फ तुम भाग्यशाली हो, हम दोनों भाग्यशाली हैं। अरे ऐसे कैसे, मैंने पहले इस बस्ते को देखा है तो ये सारी अशर्फियां मेरी हैं। हम नहीं, मैं भाग्यशाली हूँ, श्याम ने कहा। मोहन यह सुन के चुप रहा। उसने सोचा कि लड़ने का कोई फायदा नहीं है। फिर अचानक उन्होंने किसी को चोर चोर चिल्लाते हुए सुना। जब वह पीछे मुड़े तो देखा कुछ आदमी लाठी लेकर उनकी ओर दौड़े चले आ रहे हैं। तो श्याम डरता हुआ बोला, हे भगवान, उन्होंने हमें इस बस्ती के साथ देख लिया तो हम पकड़े जाएंगे, बहुत मारेंगे ये लोग हमें। हम नहीं, सिर्फ तुम पकड़े जाओगे और वह तुम्हें मारेंगे। तुम्हीने तो कहा था कि यह सोना मेरा तो नहीं है, मोहन ने कहा। तो बच्चों क्या समझे, अगर हम अपनी खुशी दूसरों के साथ नहीं बांटेंगे तो हमारे बुरे वक्त में कोई हमारा साथ नहीं देगा। हमें उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी।